सामने नारायण दास जी भी कर जान नारायण सरदार गुलफार खान नारायण सरदार गुलफार खान खोसा इत्तेहाद खोसा इत्तेहाद खोसा इत्तेहाद हाल वाला हुसैन खान गुलंजा हार पाराइंदो आयल मेहमानन के सरदार दादा उमर खान के गुलंजा हार पाराइंदो मीर फिदा हुसैन खान मीर निसार खान ताड़ीन जी गूंज खोसा इत्तेहाद नारे सरदार जुल्फिकार खान नारे सरदार जुल्फिकार खान यकूबाबाद जिलो खोसा जो स्ट्रांग होल्ड ही जिलो सजे तकरीबन पाकिस्तान ते खोसा जे हवाले से सुझातो वेंदो आ खोसा कौम इते मजबूत कौम आ माशाल्लाह खोसा कौम वट इते केड़ी शे जी कमी आ तकरीबन हर शे जी उन वट आ पैसो हुजे अफरादी कुवत हुजे कुछ भी हुजे खोसा कौम इते मजबूत कौम आ पर बदकिस्मती सा कुछ सालन में इन कौम जो मोराल पांजी ना इत्तफाकी के करे दितर बितर थो उनजे करे कुछ शिकस्ता भी आयु अन ए उनी सा गदो गद असा जे जकी बिरादरन में निफाक पैदा थो आ उनी जो कारण यो थो जो अजा सा पाजे इनी स्ट्रांग होल्ड में बदकिस्मती सा असावट कोई भी सीट कोने जो जो यो उन्हें दिखो तो सही जेके खोसान वे ना इत्तफाकी जो शिकारन तेरे करे उन्हें के एक बेसा लड़ा है बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ तारी थो यो थो उनमें तो हर को जाने तो खोसे के खोसे सा लड़ा है यो एकड़ो सुट्रो अजान नो हो असा जे लाए पर ते हुंदे भी माशाल्लाह भी नादिर खान जेड़े तरीके सा खोसा इतिहाद जो बुनियाद विधो यो एकड़ो सारा जोगो अमल हुयो या रोशनी एडी वधी जो आज खोसो तहफुज महसूस करे तो कल खोसे के तहफुज हासिल कौन हुयो आज इनी रोशनी जे करे आज असा इनी काबिल थिया आयो असा गजाणी पर में तफरीक विझी करे पंहिंजी सियासत कई उनजो फ़ाइदो वरितो पर अॼु ईअं न थींदो अॼु इनशाला खोसो पाण में मुतहिद आहे चाहे सिंध हुजे बलोचिस्तान हुजे या बलोचिस्तान खां ॿाहिरि बि खोसो हाणे मुतहिद थी वियो आहे खोसे में हाणे सुजाॻी अची वई हाणे उहो खोसो न रहियो आहे जेको अॻे पाण में हिक ॿिए सां मिली करे पाण खे कमज़ोर बणायो अॼु हुनखे अहसासु थियो अपने हिस्से की कोई शम्म जलाते जाना तमा
वेही करे यो चंदो सरदार साहब या बियो या जो कुछ करे तो वो कौन कंदो जिस राणी के तमा पान कमर बस्ता थी दो तमा उद्दो एक एक फर्द असाजे लाए हैं मां चाहे वो वडो मानु हुजे या गरीब हुजे वो अहम उन्हीं जो एको किरदार जैसे करे कोशिश करो तो मुतहद रहो सरदार साहब जी सरपरस्ती असा के हाने हासिल आ अमीर नादिर खान जो किरदार तमा पान दिखो आ वो सारे खास जिस सिलसिले में भी नादिर खान जी को कम के हुआ मुझे फर्जंदन या बेन माशाल्लाह सुठो के हुआ बलोचिस्तान में भी जो को कुछ थी रहे हुआ वो भी दिसो था केड़े तरीके सा निसार अहमद खान या बेन असा जे साथी केडो कम के हुआ यो सब सारा जो हुआ मई लफ्ज से ही करे आखिर में दान गुजारिश कर दी नव शायर मॉडर्न दौर जो वो भी फरमाए तो अड़न ही मानू के लिए मानू सब न मोहब्बती मिठा सबई नंब मानू सब न मोहब्बती मिठा सब नंब डाड़ी घणई ड्रंब सच्चो को संसार में हाँ मैं दावत किताब दिस तुमदार खोसा सरदार जुल्फकार अली खान खोसे के ताजी दावत किताब करे दोस्तन के गुजारिश है ओती भी इस्तकबाल कन इन खान भी आया 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 जब वो आपको तकसीम देखेगा तो मुझे इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा और आप खोसे इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और मुझे दर्श देना पड़ेगा आपको कि आप इत्तफाक करें। यू तो एक सरायकी में मिसाल है महावरा बना हुआ है कावे को भी अपनी जात प्यारी होती है और आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है आपको अल्लाह ताला ने अच्छी सोच दी है पहचान भी दी है आप अपनी पहचान को अपने हाथ से गवा दें तो कसूर आपका होगा किसी एसएसपी का नहीं होगा किसी हुकूमत वाले का नहीं होगा क्यों नहीं मेरे वहां डेरा गाजी खान में कोई एसएसपी या कोई कमिश्नर या कोई डीआईजी ज्यादती करता वहां बैठा हुआ और कौम एक है मुझे अफसोस है मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं बनावट से नहीं कह रहा कि मैंने ये दौरा बड़ी देर से शुरू किया मुझे बहुत पहले आना चाहिए था सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी मैं आता रहा हूं कभी एक अपने मौजूद साथी से मिला कहीं शिकार खेलिए तो बड़ी गंदी चीज है अगर आप इसको गंदी के साथ खेलेंगे और सियासत बड़ी अच्छी चीज है अगर आप उस वकार को उस इक्तदार को हुकूमत के साथ होने में असेंबली में होने में अपने इलाके के लिए और अपने भाइयों के भलाई के लिए उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करें मुझे ये सुनकर भी खुशी हुई बड़े अच्छे ख्याल का यहाँ इस स्पीकर से इजहार किया गया कि मेरे आने पर अगर मैं रूठे हुए भाइयों को इकट्ठा कर सकूंगा तो मैं अल्लाह की रजा हासिल करूंगा ये मेरा ईमान है अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक वो शख्स बहुत प्यारा होगा जो दो बिगड़े हुए दोस्तों को मिला जहां आपके और मेरे और जज्बात हो सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अजीज क्या चीज है हमारे लिए आपके लिए मेरे लिए इन मौजूदीन के लिए वो जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत अता कर रहे हैं और उसमें खिदमत खल्क अल्लाह के नजदीक